मित्रों एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं दर्शन सोनी और आप देख रहे हो DarSnake। यही घर का वीडियो मैंने आगे भी रख चुका हूं और यहीं पर कोबरा ही था और दूसरी बार भी इसी घर में और शायद उस टाइम भी यही टाइम चल रहा था, मॉनसून चल रहा था तो तभी सांप निकला था और इस बार भी तभी सांप निकला है। तो उन्होंने शायद ऐसे सोच लिया कि मेरे घर में पितृ है और मेरा जो एक दूसरा बेटा है वो शायद ये बता रहे हैं आसपास वाले पड़ोसी कि उसका एक बेटा कोबरा बाइट में मर गया था, यानी कि सांप ने उसको डस लिया और मर गया था। और अभी उनके दिमाग में ऐसे ही घुस गया है कि वो ही बच्चा मेरा है, वो मेरे को कोबरा सांप बन के आकर डराता है। मैंने बताया उनको कैसा कुछ नहीं होता है बेटा, उन्होंने उसके हिसाब से यहाँ पर उन्होंने धूप सली भी जला कर रखी है। और जैसे तो इसके साथ कितनी अंधश्रद्धा जुड़ी है और ये सब इनको देव की तरह पूछते हैं कोबरा को, इसलिए कोबरे को कम मारते हैं और इसी हिसाब से उसको ज़्यादा बच पाना मुमकिन है, क्योंकि वो उसको कम मारते सब लोग, इसलिए कोबरे की बस्ती और उसका प्रमाण सबसे ज़्यादा है दूसरे सांप के मुकाबले। चलिए इसको बंद कर दे रहे हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना करे। धूप सली चलो ठीक है। अभी देखिए तो सामने एक छोटा सा गड्ढा है, उसके अंदर बैठा हुआ है साहब, अपना मुंह दिखा रहे हैं सिर्फ। और मुंह देखते हुए मुझे ऐसा मालूम पड़ा है कि वो थोड़ा साइज उसकी बड़ी है और लेंथ भी बड़ी होगी उसका मुंह हिसाब, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा मैं आपको नज़दीक ला कर दिखाता हूँ, चलिए कैमरा मैन तो डर रहे होंगे और मैं लेकर चलता हूँ। देख रहे हो आप वहीं पर ये बैठा, देख सकते हो आप उसका मुँह कितना बड़ा है। तो उसके हिसाब से लग रहा है कि सांप की साइज़ बहुत बड़ी होगी। तो चले थोड़ा बहुत यहाँ सर गड्ढा खोद कर इसको निकालते हैं, ट्राई करते हैं कि क्या होता है। ठीक है तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि आपको सब मालूम हो। देख रहा हूँ दोस्तों ये बिल्कुल ही पुराना मकान है और इसके हिसाब से हर जगह पर चूहे ने गड्ढा करके रखा है, उस वो गड्ढे में घुसते ही जा रहा है। अभी ये दूसरे वाले गड्ढे में घुस गए हैं नीचे, चलिए ट्राई करते हैं फिर क्या होता है। इसे तो एक कोबरा सांप है और इसकी पूंछ जो है वो कट चुकी है और ये इनकी जो पूंछ है वो दूसरी बार पकड़ा था वो भी पूंछ भी ना था, मैंने जो पकड़ा था वो पूंछ वाला था और अभी इसने तीन चार चूहे निकल रहे हैं, शायद वो कुछ बाहर निकलेगा ऐसा लग रहा है मेरे को। अच्छे से इसको कर लिया रेस्क्यू और ये थोड़ा एग्रेसिव हो चुका है अभी, क्योंकि दो तीन घंटे से इसके अंदर आकर बैठा है और जिसके हिसाब से अभी ये थोड़ा एग्रेसिव है तो उसको बहुत ही केयरफुल करना पड़ता है रेस्क्यू, वरना कुछ भी हो सकता है। तो अभी ऐसे तो समझो ओके ओके आ गए ठीक है। बहुत ही अच्छा कपड़ा और हेल्दी भी है पर इसकी पूंछ बहुत ही छोटी है, शायद कहीं पर कट गई होगी या फिर कोई प्रेडेटर इसके पीछे पड़ा होगा और बहुत काट लिया होगा और उसे उसकी पूंछ इतनी कट गई होगी या फिर कोई भी पत्थर वगैरह गिरा होगा या फिर कहीं फंस गया होगा और कट गई होगी, ऐसा भी हो सकता है। चले फिर सेफली तो कर लिया रेस्क्यू इनसे घर से और ये जो इलाका है वो खड़गांव से दूर है और वहीं पर सांप के नाम वाले पर आप अपने घर के आसपास कहीं पर भी ऐसा घर देखें तो प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए,
यदि अपने घर के अंदर वो थोड़ी बहुत सीमेंट वगैरह लगाकर अपना गड्ढा को बंद नहीं कर सकते तो उनकी हेल्प कीजिए थोड़े बहुत पैसे देकर, ताकि वो भी अपना गड्ढे फटे से बूट सके। इसी तो ऐसी हालत और पूरी का पूरा मिट्टी का मकान है। अभी हमारे सभी मकान कॉन्क्रीट और सीमेंट के हो चुके हैं, उस दौरान यहाँ पर ये पूरे का पूरा मकान मिट्टी से बना हुआ है। तो दोस्तों कहीं पर भी आप ऐसे कुछ मकान देखें तो उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। और अभी ये घर में एक बूटी औरत अकेली है और उनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं और कोई नहीं है कमाने वाले घर में, तो प्लीज़ थोड़ी बहुत किसी आपके आसपास भी किसी पैसा कुछ हो तो उनकी हेल्प कर दीजिए। और मौसम आ रहा है तो वहाँ पर आप ऐसे सब गड्ढे हो गए उनको थोड़ी हेल्प करके बंद कर दीजिए ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। चलिए मिलते हैं रिलीज टाइम पर। फ्रेंड्स तो हम आ गए इसको रिलीज करने के लिए। देख सकते हो ये अपनी हाथी सी फन फैला कर इसमें बैठा है यहाँ पर, देख सकते हो। और ये जो कोबरा है इसकी पूछ नहीं है तो इसके पहले बहुत दिक्कत होगी क्योंकि तुरंत आपके पीछे आ जाएगा। और वहाँ की जो बुढ़ी औरत थी वो बोल रहा था कि मेरा बेटा भरत था जो एक स्नेक बाइट में मर चुका है बहुत सालों पहले, और उसके घर में कोई कमाने वाला आदमी नहीं है, दो छोटे बच्चे हैं और वो बुढ़ी औरत है। तो हमने भी हमारे तरफ से थोड़ी बहुत उसकी हेल्प की। और यदि आपके घर के आसपास भी ऐसा कोई है, तुम्हें घर के आसपास ऐसा कोई गड्ढा है तो प्लीज़ उसको बंद करवा दीजिए, क्योंकि ये जहरीला सांप है, ये काटता है तो फिर बहुत ही दिक्कत उठानी पड़ती है। और ऐसे आदमी जिनके पास पैसा नहीं है तो फिर वो दवाइयाँ कहाँ से करवाएगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा पैसा देकर उनकी हेल्प कर दीजिए ताकि इनकी भी जान बच सके और हमारा सांप की भी जान बच सके। चले फिर अब इसको करने वाले हम रिलीज, इसको देख सकते हो उसका मुँह ऊपर ही है तो उसके हिसाब से बहुत ही सावधानी से करना पड़ेगा इसको रिलीज, क्योंकि ये बहुत ही डरा हुआ है और जिसके हिसाब से वो तुरंत बाइट की पोजिशन में है। देख सकते हो आप, ओके ओके, ये वो देखो उसकी पूछ नहीं है, देखो वो उसकी पूछ बहुत ही छोटी है, देख सकते हो। तो इसके हिसाब से ये थोड़ा बहुत ही डेंजरस क्यों हो सकता है, तो प्लीज़ ध्यान रखें। और ये मेरे दोस्त एक कोबरा साहब है और जो कोबरा है उसमें आता है न्यूरोटॉक्सिक जहर जो इंसान के नर्व सिस्टम पर असर करता है, वो इंसान के लिए बहुत ही घातक है। तो दोस्तों प्लीज़ इनका ध्यान रखें और इनके संपर्क में कमी आए तो अच्छा है, और उसको घर पर ट्राई ना करें। ये बहुत ही जोखिम भरा है, देख सकते हो मानसून शुरू हो चुकी है, हल्की हल्की बारिश भी आ रही है और वहीं पर इसको छोड़ा है जहाँ पर इसको अच्छा खाना पानी मिल सके, थोड़ा इंसान से दूर ताकि कोई दिक्कत ना हो। चले दर्शक में आज इतना ही, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप बने रहे दर्शक के साथ। जय गुरु गुजरात, वंदे मातरम, सेवा लाइव, भारत माता की जय। आओ जो फरी मरीज हूँ।